और ये रहे करेले मीठे वाले ककोड़े, और इनके साथ एक क्या है इसका नाम, घोड़ा है ये। अरे घोड़े की टांग खराब हो गई है, देखो घोड़ा तो यहाँ पे रखा हुआ है ये थैले में। तो दोस्तों ये देखिए, सब ने ऐसे घास लगा रखा है छोटे छोटे पेड़ों पे, जो बाद में मतलब निकालने में भी सुविधा रहेगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है ऋतु बिष्ट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु बिष्ट पहाड़ी पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तो आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, तो हम भी अच्छे हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी सुबह के शायद 9 बज रहे हैं अभी। तो अभी हमारा सुबह का नाश्ता हो चुका है और सासू जी भी चले गए हैं घास काटने के लिए किसी के साथ, क्योंकि कल हमारे साथ कोई आ रखे थे गाँव में सासू जी लोग, तो आज उनके साथ जा रखे हैं। और ससुर जी आज घर में ही है, और तो देखिए आज थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कलर हो चुका है इधर, और पीछे की साइड भी हो गया है उस साइड। और अभी तो अंदर कमरों में नहीं हुआ है शुरू, लेकिन बाहर तो थोड़ा लगा लिया है। तो अभी तो बहुत सारा काम है, पेंट है, कलर है। तो आज उनकी छुट्टी है, तो आज वो थोड़ा हल्का हल्का काम कर लेंगे, तो मैं भी अपना काम शुरू कर लेती हूँ। कुछ तो मैंने कर लिया है, झाड़ू झूड़ मैंने इस साइड लगा लिया है, और एक दो कमरे बचे हैं। तो करती हूँ दोस्तों अपना काम धंधा, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और आज मौसम ना हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं इस साइड, और धूप मतलब कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो आज मौसम का थोड़ा कुछ ढकचक है। हम मीठे करेले की सब्जी जो कि मेरी मम्मी ने भेजे हैं, क्योंकि मम्मी गई थी गांव और गांव से लेके आए थे थोड़ा सा, तो इतने हमारे भी दे रखे हैं थोड़ा सा ये। और आजकल हमारे गांव में यही होते हैं, तो हमारे यहाँ तो ककोड़ा कहते हैं इनको। तो ये देखिए, तो हम इन पे पता क्या करते थे छोटे छोटे में, यानी जैसे दो चार डंडे लगाते थे और ऐसे चलाते थे, अपना घोड़ा बनाते थे इनको। और ये रहे करेले मीठे वाले ककोड़े, और इनके साथ एक छोटी सी ककड़ी भी भेजी है, क्योंकि अब खत्म हो जाती है, अब सीजन खत्म हो गया है क्योंकि अब है नहीं गांव में। क्या है इसका नाम, घोड़ा है ये। अरे घोड़े की टांग खराब हो गई है, देखो घोड़ा तिकड़िक तिकड़िक बोल, दे पकड़ उसको, ले जाए इसको, ले पानी कहाँ डाला उसके सर में। घोड़े की एक टांग छोटी हो गई, जा पकड़ उसको। ये देख कैसे भाग रहा, वो हैन है, वो मुर्गी है, वो हैन है, वो हैन हैन मानी मुर्गी है वो। जा वहां मत कर, वहां गंदे काम मत कर, यहाँ देखिए हैन देख यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसा बनाया करते थे हम छोटे में। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:15 बजे, और अभी मैं दिन का लंच तैयार कर रही हूँ। तो आज दाल चावल ही बनाऊंगी, तो चावल तो बन चुके हैं इस प्रेशर कुकर पे, और अभी थोड़ा दाल फ्राई कर रही हूँ इसमें कढ़ाई में। तो दिन का खाना डेली हमारा गैस पे ही बनता है, क्योंकि चूल्हा जलाने में तो कई टाइम लग जाता है, तो इस वजह से दिन में गैस में बनाते हैं और रात और सुबह चूल्हे में बनाते हैं। दाल फ्राई कर रही हूँ, तो दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और देखिए सुबह तो ऐसा लग रहा था धूप नहीं है, लेकिन बादल भी नहीं है अभी, और मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, और खिलखिलाती धूप लगी है। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा रोड में, वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है उसे लेने के लिए जा रही हूँ, और धूप इतनी तेज है, बाप रे।
तो यहाँ पे रखा हुआ है ये थैले में, तो ला गई हूँ मैं ये थैला। इसमें कुछ दूध के डब्बे हैं और कुछ दवाइयाँ हैं सिवा के लिए, तो क्योंकि दूध वाले के पास दे रखा था पापा ने, तो अभी ले आई हूँ। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं खेत की तरफ, और आज भी हमारा घास है वहाँ पेड़ पे लगाने के लिए, तो अभी टाइम हो रहा है शायद अभी 5 बजने वाला है, तो आज भी वही है जहाँ परसों थी मैं, और आज तो आज वहाँ शायद मुझे लगता है कि बहुत सारा घास है। और मौसम भी अभी अभी देखिए पूरा आसमान में बादल छा गए हैं, और ऐसे में तो घास अगर पेड़ पे नहीं लगाएंगे तो भीग जाएगा, तो इस वजह से आज पूरा घास बांधना पड़ेगा और पेड़ पे लगाना पड़ेगा। तो अभी जा रही हूँ मैं रास्ते में, वो पट्टी के भी पहुँचने वाले हूँ, तो पहुँच गई हूँ मैं डिग्गी में, तो यहाँ पे थोड़ा पानी ले जाऊंगी यहाँ से एक बोतल में। तो दोस्तों ये देखिए सब ने ऐसे घास लगा रखा है छोटे छोटे पेड़ों पे, जो बाद में मतलब निकालने में भी सुविधा रहेगी, पेड़ में ज्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। जिसको पेड़ चढ़ना नहीं आता वो तो कैसे निकालेगा, लेकिन जिसको पेड़ चढ़ना है वहाँ पे नीचे पे ससुर जी भी लगा रहे हैं घास। और देखिए तेज हवा भी चल रही है अभी अभी, तो पहुंच गई हूँ मैं खेत में, और सासू जी भी यहाँ पे बांध रही है घास, अभी तो यहाँ नीचे तक है हमारा। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के ठीक 9:15 बजे, और रात का हमारा खाना पीना भी हो चुका है, तो आज भी हम खेत से लेट में ही आए क्योंकि आज तो हमने इतना सारा घास बांधा और लगाया भी, और तो उसके बाद मतलब देर में घर पहुंचे, और घर पहुंचते पहुंचते पूरी रात हो गई थी, मतलब सब जगह लाइट ऑन हो गई थी, तो आज देर में ही खाना बना और खाना खाया। तो अभी देखिए मैंने ये बैग भी पैक कर लिया है, दोस्तों बैग तो तैयार हो चुका है, लेकिन देखिए शरारती सीवे के कारनामे कह रहा कि बैग यहीं पे लाना है, और उसमें कभी खड़े हो रहा है कभी उसके टायर घुमा रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, बाय।